गुरुवार को शारदीय नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी की पावन नगरी में चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और नगर के जनप्रतिनिधिगण सम्मिलित हुए। यात्रा में क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर भी शामिल हुआ है और माता की टोकरी भी उठाई। यात्रा का आयोजन नगरवासियों व जागृतम सेवा संस्थान परिवार द्वारा किया गया। शाम 5 बजे से यात्रा की शुरुआत नगर के श्री राम मंदिर से शुरू हुई। पूरी यात्रा का नजारा देखने लायक रहा। सुरक्षा व्यवस्था का काफी खास ख्याल रखा गया, मानो एक जगह पूरा नगर थम गया हो। चुनरी यात्रा का यह 10वां वर्ष है, जिसमें सामाजिक समरसता के संकल्प को लेकर एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा व खुशहाली के लिए यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं लाल चुनरी लिए और लाल साड़ियों में बड़ी तादाद में महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। यात्रा में शामिल हुई भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ा रखी थी। जगह जगह हो रही पुष्प वर्षा से पूरी यात्रा का माहौल काफी ज्यादा धर्ममय लग रहा था। भक्तजन जय माता दी के नारे लगाते हुए यात्रा में चल रहे थे। वहीं त्यागी संत श्री सीताराम बाबा द्वारा भी पूजा अर्चना की गई। यात्रा माता जी के दरबार में पहुंची। वहां पर चुनरी की पूजा अर्चना आचार्य ओम प्रकाश जी शर्मा द्वारा की गई। वहीं मां देवी श्री लालबाई फूलबाई माता जी को 401 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई और 56 भोग लगाकर पूजा अर्चना के बाद गंगा आरती की तर्ज पर उज्जैन से आए पंडितों द्वारा महाआरती भी की गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। सैगांव से भूपेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।